अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर कामरान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान व्लॉग्स। और मेरे साथ हैं जाहिद सिद्दीक। और अभी हम जा रहे हैं गैस फिल कराने, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को अपनी गाड़ी का रिव्यू दूं कि मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूं और इसके क्या फीचर्स हैं, क्या मार्केट है, क्या प्राइस है, कितना सीसी, जो भी। तो जैसा कि मैंने बहुत सी वीडियोज़ में बताया भी था आप लोगों को कि ये गाड़ी मैंने कब ली, कितने की ली, आई थिंक डिटेल में पीछे मैंने एक दो वीडियोस में बताया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये गाड़ी पिछले तकरीबन 4 माह से मेरे साथ है और इस कंपनी की गाड़ियां मैं पिछले 2-3 साल से चला रहा हूँ सुबारो। तो इस गाड़ी के इंटीरियर से स्टार्ट करते हैं। ये 2005 मॉडल है सुबारो और ये टर्बो इंजन है इसमें, ट्विन टर्बो। इसके स्पीडोमीटर से स्टार्ट करते हैं, ये चेक करें आप। ये डिजिटल मीटर नहीं है, बस सिंपल मीटर है जिस तरह गाड़ियों का मीटर होता है। और ऑटोमेटिक ये गाड़ी है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर सारी गाड़ियाँ होती ही ऑटोमेटिक है। इसका गियर बस ये इस तरह, इसमें मल्टीमीडिया ज़्यादा नहीं आता, बस इसकी जो ओरिजिनल ये एलईडी है जो कंपनी के साथ, यानी कंपनी फिटेड एलईडी है। यहाँ पर ये ख़राब हो गई थी लेकिन यहाँ पर मिल जाती है, मैंने दोबारा ये इंस्टॉल करवाई थी। और अगर हम इसके पावर विंडो है, पावर स्टेयरिंग है, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। ये पावर विंडो है और ये तकरीबन यहाँ से आप लॉक भी कर सकते हैं, तो कोई दूसरा बंदा ये विंडो अप डाउन नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर आप राइट साइड पे लिखें, ये पावर मिरर है और ये हीटेड मिरर है। लेफ्ट साइड जहाँ पर ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग, ये सारा मिरर का ऑप्शन है। और इसके अलावा ये पार्किंग है, पार्किंग सेंसर। और हाँ, इसमें जो एसी है वो बहुत कमाल का है, इसमें तकरीबन 4-5 छोटी छोटी ये लगी हुई है वेंट्स यहाँ से, ये ऊपर से भी है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, एसी और हीटर की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि सर्दियों में जो टेम्परेचर रहता है वो -20 तक भी जाता है। तो -20 में भी ये गाड़ी आराम से आपको हीट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसमें अब मैं पीछे अपनी फुल सीट पीछे की हुई है और ये मैं लेग रूम आपको दिखाता हूँ, आराम से बैठा हुआ हूँ बिल्कुल, सीट पीछे करके कोई मसला नहीं है। ये जाहिद भाई भी ये देखें कितनी स्पेस बची हुई है इधर, यानी बंदा इसमें लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर हेड स्पेस की बात करें, अब भी मेरे सर के ऊपर तकरीबन 2-3 फुट यानी रहता है, तो लेग स्पेस भी कमाल की है और हेड स्पेस भी कमाल की है और लेग स्पेस भी कमाल की है। मैं पीछे फिर जाके आप लोगों को पीछे वाली सीट्स दिखाता हूँ और निकल के ये इस गाड़ी की सीट्स दिखाता हूँ कि ये कितनी कंफर्टेबल है। अगर साइड में हम देखें तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और यहाँ पर कोई छोटी सी मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पर रखा जा सकता है। आर्म रेस्ट मिल जाता है, आराम से आप ड्राइव कर सकते हैं एक हाथ से। तो ये इसके सीट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी चीज़ें पीछे जाके, और इसका एक्सटीरियर भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऑलराइट, हम पहुँच चुके हैं गैस स्टेशन पे, ये सामने बिश्केक सिटी में। इस तरह के मीथेन गैस के तकरीबन 4 या 5 पॉइंट हैं, ये हमें सबसे करीब पड़ता है, तो हम इधर आए। गैस फिल कराते हैं और फिर बाकी बातें बाद में होती हैं। तो ये गैस हो चुकी है फिल और अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। तो रास्ते में कहीं रुक के बाकी आपको सारी डिटेल दिखाता हूँ गाड़ी के बारे में और इसका एक्सटीरियर सारा कुछ। लेट्स सी। अगर गाड़ी की एक्सटीरियर की बात करें तो ये एक सादा SUV है, जो सिंपल SUV गाड़ियों में होता है। ये बिल्कुल वैसी सादा सी गाड़ी है, सादा से मुराद इतनी सादा भी नहीं है। इसकी मैं लुक आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितनी स्पोर्टी लुक है इसकी। एक मिनट, ये बाहर से आप चेक करें, अभी तो धूल मट्टी है इस पर। और ये रिव्यू मैं काफ़ी अरसे से बना रहा था, एग्ज़ाम में बहुत मसरूफ़ रहा, आज टाइम मिला तो मैंने कहा इसको पूरा कर दूँ। ये चेक करें, और फ्रंट से मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखाता हूँ। ये फ्रंट से स्पोर्टी लुक है इसका, बम्पर बिल्कुल स्पोर्टी है। बैक से भी आप लोगों को दिखाता हूँ,
अलार रिम 17 इंचेस के इसमें लगे हुए हैं, स्नो टायर है। इसकी बैक से लुक है, इसकी जो लाइट है ये बहुत प्यारी है बैक लाइट। बाकी ये डिग्गी सादा सी, यहाँ पे भी एक लाइट है, मैं पार्किंग पे लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ जब लाइट जलती है तो क्या क्या सिनेरियो होता है। तो ये इस तरह से, बाकी आई थिंक इंटीरियर का सारा हो चुका है, तो ये शाम तक इंशाल्लाह वीडियो मैं एडिट करके अपलोड कर दूंगा। अभी चलते हैं काम से, मैं यूनिवर्सिटी आया था, अभी बस निकलता हूँ, एक काम है उधर जाना है। लेट्स सी, उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को आज की यह वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।